गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू मकाम ऑनलाइन क्लास स्टूडेंट्स, एंड टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज 3.1। बिकॉज ऑफ के इन लास्ट लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन यू द अबाउट द पॉलीगॉन्स, अबाउट द पॉलीगॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर वन, प्लीज डू योर सेल्फ। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो जैसा नंबर गिवन है उसमें उसके सॉल्यूशंस नंबर जो फिगर है वो आपको वाइट वाले पेज के ऊपर जो है ड्रॉ करने हैं, और फिर आंसर लाइन वाले पेज पर। अब ये आपको ज्योमेट्री की नोटबुक में करना है, ठीक है? किस में करना है? ज्योमेट्री की नोटबुक में। देखिए, जैसा कि इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाई गिवन हियर आर सम फिगर्स, तो अब हमें यहाँ पे कुछ फिगर्स गिवन है। जैसे फर्स्ट फिगर गिवन है हमें ये स्टाइल से, ये ठीक है। सेकंड फिगर गिवन है हमें ये स्टाइल। थर्ड फिगर गिवन है हमें ये हो गया सेकंड, एंड फोर्थ ये स्टाइल का आपको देखिए, इसमें आपको बताना है और भी कई फिगर गिवन है। जैसे अगर आपको ये गिवन है, देखिए बेटा यहाँ पे सबसे पहला है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व का मीनिंग होता है कि पेंसिल को बिना हटाए एक ही बार में जो है वो कर्व बना देना, एक ही बार में कर्व बना देना। तो देखिए, इसको हम एक ही बार में बना सकते हैं। एक बार में कैसे बना सकते हैं इसको? ये यूं किया, यूं किया, यूं किया, यूं किया और यूं किया, ये बन सकता है ना। तो ये हो गया सिंपल कर्व। कौन सा हो गया? सिंपल कर्व, जिसको एक ही बार में बना सकते हैं विदाउट पेंसिल को जो है वो टेक आउट की, ठीक है, टेक ऑफ की। तो यहाँ पर ये फर्स्ट हो गया, देखो सेकंड को भी बना सकते हैं, बट थर्ड को जो है देखो फर्स्ट और फिर पेंसिल हटा करके फिर ये बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये सिंपल फिगर नहीं है हमारा। फिर उसके बाद उसमें भी देखो, तो उसमें भी हमें जो है पेंसिल की ये और ये हो गया, फिर ये हो गया, तो लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको हटाना भी पड़ सकता है ना। तो इसमें नहीं होगा। अब ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सा है कि भाई ये किया और ये यूं कर दिया, है ना। तो ये हो गया हमारा सिंपल फिगर। कौन सा हो गया? सिंपल कर्व। तो ये सिंपल कर्व हो गया फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और सिक्स। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स और सेवन। सेवन को भी हम कर सकते हैं, देखो सेवन ये किया, यूं किया और ये यूं कर दिया, है ना। बट इसके लिए हमें पेंसिल को एक बार तो उठाना पड़ेगा, ठीक है, टेक ऑफ करना पड़ेगा पेंसिल को वहां से। तो फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, ये सब क्या है? सिंपल कर्व है। कौन से हैं? सिंपल कर्व। फिर जैसे इसने कहा है सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब सिंपल क्लोज्ड, तो सिंपल क्लोज्ड के अंदर जो है वो हमारे फिगर सेम टू सेम यही रहेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स और सेवन, ये सिंपल क्लोज्ड, ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। फिर आता है पॉलीगॉन।
अब पॉलीगॉन क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट्स से बनता है, ओनली फॉर किससे, लाइन सेगमेंट्स। तो ये हमारा पॉलीगॉन है, ये हमारा पॉलीगॉन है। अब देखिए इसमें लाइनें जो है वो हमारी सेम नहीं आ रही है, कट हो रही है, इसमें भी ओनली लाइंस नहीं है, इसमें भी ओनली लाइन सेगमेंट नहीं है। देखिए ये कर्व आ गया, इसमें भी कर्व आ गया और इसमें भी कर्व आ गया, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड पॉलीगॉन कौन कौन सा है, फर्स्ट और सेकेंड। फिर इसके बाद उसने कहा है कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन का मीनिंग होता है कि जिसमें लाइन सेगमेंट जो है वो उसके डायगनल एक्सटीरियर नहीं होने चाहिए, ओनली इंटीरियर में होने चाहिए। डायगनल्स का होने चाहिए इंटीरियर के अंदर, मतलब वापस अंदर जाते हुए लाइन नहीं होनी चाहिए। जैसे अब ये पॉलीगॉन कौन कौन सा हुआ, एक तो ये है और एक ये। अब हमें क्या बताना है, कन्वेक्स पॉलीगॉन, पॉलीगॉन दो ही है हमारे पास, फर्स्ट और सेकेंड, लेकिन हमें क्या बताना है, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स हो जाएगा सेकेंड नंबर, क्योंकि इसके अंदर ये जो देखिए ये डायगनल जो है वो एक्सटीरियर में आएगा, किसमें आएगा, एक्सटीरियर के अंदर। फिर आता है कॉनकेव पॉलीगॉन, तो कॉनकेव पॉलीगॉन जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है बेटा, ये आपको नोट भी करना है, केवल नेम करने हैं। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी डायगनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। हमें डायगनल्स बताने हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर। हाउ मच डायगनल्स, हाउ मेनी डायगनल्स, सॉरी मेनी, हाउ मेनी डायगनल्स डज ईच ऑफ द following। अब देखिए फर्स्ट उसके अंदर हमें गिवन है नंबर वन अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट क्या गिवन है, अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हमें बताना है कि इसके अंदर कितने डायगनल होते हैं। तो हमें जो है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेना है, तो क्वाड्रिलेटरल हम कुछ कैसा भी ले सकते हैं कन्वेक्स में, जैसे ये ले लिया। अब इसके अंदर हमारे जो है डायगनल्स ओनली कितने होंगे, एक ये और एक ये, कितने डायगनल्स हो गए, टू डायगनल्स। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा टू डायगनल्स, ओके। अब हमें सेकंड क्या लेना है, बी। तो बी हमें लेना है अ रेगुलर हेक्सागोन। सेकंड है हमारा अ रेगुलर हेक्सागोन। तो देखिए रेगुलर हेक्सागोन मींस कितनी लाइन सेगमेंट होगी, सिक्स, और सारी क्या होगी, इक्वल, ओके। तो देखिए रेगुलर हेक्सागोन लेते हैं हम लोग, इसमें चलिए ये ले लिया हमने रेगुलर हेक्सागोन, 1 2 3 4 5 6 सिक्स लाइन हो गई। अब हमें इसमें डायगनल ड्रॉ करना है। डायगनल क्या होता है कि अ लाइन सेगमेंट विच जॉइन एनी वर्टेक्स टू इट्स नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, ओके। तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये ए बी सी डी ई एफ। अब देखिए ए से जो है वो कंसेक्यूटिव बी हो गया और एफ कंसेक्यूटिव हो गया, रिमेनिंग कौन बचा, सी डी ई। तो हम ए से ज्वाइन कर सकते हैं सी को, ए से डी को ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी डायगनल हो गया, और ए से ई को ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये हमारे कितने डायगनल हो गए, थ्री डायगनल, तो ये हो गए। अब देखिए ए के बाद आते हैं बी पर, तो बी से ए और सी को लेफ्ट कर दो क्योंकि ये कंसेक्यूटिव है, रिमेनिंग कौन बचा, एक तो बी से डी वाला, ये बी से डी, फिर बी से E, और फिर B से F, ये फिर 3 हो गए। फिर B के बाद नंबर आता है C का, तो C के लिए जो है वो हम B और D को लेफ्ट कर देते हैं, रिमेनिंग बचा A F E। तो देखो C A से पहले से ज्वाइन है, C
ज्वाइन नहीं है, सी ई से ज्वाइन नहीं है, तो एफ से अब ज्वाइन कर देते हैं और ई से भी अब ज्वाइन कर देते हैं। चलिए कितने और हो गए, टू हो गए। अब आएंगे डी पर, तो डी से ई और सी तो उसका क्या है, कंसेक्यूटिव, तो रिमेनिंग कौन बचा, ए बी और एफ। तो देखिए डी जो है वो ए से ज्वाइन है, डी जो है बी से भी ज्वाइन है और डी जो है वो एफ से ज्वाइन नहीं है, तो ये डी से हम एफ को ज्वाइन कर देते हैं। तो हमें कितने डायग्राम्स मिल गए, एक और मिल गया वन। अब आइए ई पर, तो एफ और डी तो उसके क्या है, कंसेक्यूटिव, रिमेनिंग बचा ए बी सी। तो देखो ई से ए ज्वाइन है, ई से बी भी ज्वाइन है, ई से सी भी ज्वाइन है, तो ये अब हमें अलग से इसके लिए ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है डायग्राम। फिर आते हैं एफ पर, तो एफ के लिए ए और ई कंसेक्यूटिव, मैंने बचा बी सी डी। तो देखिए एफ बी से ज्वाइन है, एफ सी से ज्वाइन है, एफ डी से भी ज्वाइन है, तो अब कुछ भी नहीं बचा। तो ये टोटल हमारे डायग्राम कितने हो गए, 9 डायग्राम हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डायग्राम हो जाएंगे 9 डायग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेकंड। और क्वेश्चन थर्ड के अंदर है अ ट्राइंगल, तो बेटा ट्राइंगल के अंदर कोई डायगनल नहीं होता है, ठीक है, ट्राइंगल में किसी टाइप का कोई डायगनल्स नहीं होता है। क्यों, कि हर वर्टेक्स के कंसेक्यूटिव वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, नॉन कंसेक्यूटिव होते ही नहीं है कोई, सारे कंसेक्यूटिव ही होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इजी है बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, मेक अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि भाई उसने कहा है कि वेरीफाई कीजिए व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है, ठीक है, तो हमें एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेना है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेना है, ठीक है। अब कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को कैसे सॉल्व करेंगे, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल से, तो ये हमने जैसे मान लीजिए ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया कन्वेक्स ए बी सी डी। अब हमें इसमें बताना है कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको ट्राइंगल में कन्वर्ट करेंगे, लेट ए बी सी डी बी अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, लेट ए बी सी डी इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए कि हम एनी डायग्राम ड्रॉ करेंगे ताकि ये क्या हो जाए, टू ट्राइंगल में डिवाइड हो जाए। जैसे हमने डायग्राम ड्रॉ किया ए सी, डायग्राम ड्रॉ किया ए सी, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये टू पार्ट हो गए, कितने पार्ट हो गए, टू पार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल ए सी डिवाइड्स क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन टू ट्राइंगल्स, इन टू ट्राइंगल्स। ओके, अब यहां पे ये ट्राइंगल हो गए दोनों, और नाउ वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, कितना होता है,
180, एक ट्राइंगल के एंगल की सम कितनी होती है 180, तो यहां कितने बने हुए हैं, टू ट्राइंगल बने हुए हैं, तो जब टू बने हुए हैं तो ये हो जाएगा 100 सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी मींस क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू हो जाएगा 180 प्लस 180 इक्वल्स टू 360। तो ये तो हो गया हमारा कन्वेक्स, कौन सा हो गया कन्वेक्स। अब सेकंड हमें कौन सा लेना है, नॉन कन्वेक्स। जैसा कि उसने कहा क्वेश्चन के अंदर देखिए जैसे कि व्हाट दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, मेक अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। तो देखिए हम कैसा भी एक ट्राइंगल जो है नॉन कन्वेक्स बना देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चलिए ये बना देते हैं, ठीक है, ये हमने नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाया। अब इसको हम नेम कर देते हैं पी क्यू आर एस। अब देखिए उसने क्या कहा कि यही प्रॉपर्टी आप जो है नॉन कन्वेक्स वाले के ऊपर भी अप्लाई करके चेक कीजिए। चलिए आप इसको चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले करना है कि भाई इसको ट्राइंगल में डिवाइड करना है। तो देखिए ये जैसे हम ड्रॉ करेंगे, अब ये वन और टू ट्राइंगल हो गए, तो इसमें भी कितने हो गए टू ट्राइंगल, कितने हो गए टू ट्राइंगल। तो टू ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी 180। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, लेट पी क्यू आर एस इज अ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल
ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑल एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहां से ऐड होंगे ये एंगल और इक्वल में दोनों ऐड होंगे 180 180, तो यहां से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इक्वल्स टू 180 + 180। अब देखिए बेटा जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर देखिए यहां पर ये जो 3 और 6 है दोनों मिला के क्या होगा s, 2 और 5 दोनों मिला के क्या होगा q। तो देखिए 180 तो 1 की प्लेस क्या देगा p। अब 2 और 5 तो देखिए ये रहा 2 ये रहा 5, 2 और 5 तो 2 और 5 का यहां पर हो जाएगा एंगल q प्लस एंगल 4, तो एंगल 4 एस डी और एंगल 6 हो जाएगा हमारा। अब देखिए एंगल 4 जो है वो क्या है आर और 3 और 6 क्या है एस इक्वल्स टू 360। तो ये हमारा हो गया एंस प्रूफ हो गया कि भाई कोऑर्डिनेटर चाहे वाले वो कन्वेक्स हो या नॉन कन्वेक्स हो क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी जो होगी वो कितनी होगी 360 होगी इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है बेटा तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर हमें पहले कुछ फिगर्स गिवन है, वो कह रहा है कि इसको पहले एग्जामाइन करें, ठीक है, पहले इसको समझें कि एग्जामाइन द टेबल ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल्स एंड द सम ऑफ द एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट। तो पहले जैसे ट्रायंगल है, फर्स्ट फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल है, 1 ट्रायंगल है ना, उसमें 3 साइड्स है, एंगल सम कितनी हो गई 180 हो गई। फिर उसके बाद में क्वाड्रिलेटरल गिवन है, डायगोनल ड्रॉ किया, 2 ट्राइंगल्स हो गए, तो देखिए उसने 180 को 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, यानी जितने ट्राइंगल है उस नंबर ऑफ ट्राइंगल मल्टीप्लाई 180 कर दो। तो देखिए 2 × 180 तो ये हो गया। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 4 − 2 × 180 यानी कि नंबर ऑफ साइड्स −2। फिर देखिए कि जो पेंटागॉन है उसके अंदर 2 क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ 2 डायगोनल ड्रॉ करके ट्राइंगल कितने बन गए 3, तो 3 × 180। अब 3 × 180 करें या 5 − 2 करें और मल्टीप्लाई 180 तो भी सेम है, मतलब कुल मिला के ये वही एक्सप्लेन कर रहा है जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन। ओके द एंगल सम ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग साइड एन या एन साइडेड पॉलीगॉन। क्लियर ना? तो देखिए मैंने अंदर आपको क्या बताया था, सम ऑफ एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन इक्वल्स टू n − 2 × 180। एक तो मैंने ये बताया था और दूसरा बताया था नंबर ऑफ ट्राइंगल्स मल्टीप्लाई 180। तो हम मोस्टली जनरली जो यूज करते हैं वो करते हैं n − 2 × 180। तो देखिए ये तो फिगर थे, ये आपको करना नहीं है, क्वेश्चन केवल जो है नोट करके। अब कह रहा है व्हाट कैन यू सी अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड 7 8 10 एंड d n। तो देखिए a गिवन है हमें, कोट का a, नंबर ऑफ साइड्स कितनी गिवन है n, कितनी गिवन है 7, n की वैल्यू कितनी गिवन है 7। तो यहां पे देखिए सॉल्यूशन करते हैं, यर एन इक्वल्स टू 7, सो सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स,
तो सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू हो जाएगा देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 7 माइनस 2 यानी जितनी नंबर ऑफ साइड्स है माइनस 2 कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 से तो ये हो जाएगा 5 × 180 और 5 × 180 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 900 ओके तो ये हो गया एन की वैल्यू जब 7 होगी तो सम ऑफ एंगल ऑफ 7 साइडेड पॉलीगन कितना होगा 907 का मींस क्या हो जाएगा हेक्टागोन ओके फिर बी के अंदर भी मैंने हमें 7 के बाद 8 तो सिमिलरली 8 गिवन है अब इसका बी और सी आप होमवर्क करेंगे बी और सी होमवर्क करेंगे सेम इसी के अकॉर्डिंग फिर उसके बाद में जैसे डी गिवन है ये आपको होमवर्क करना है ये भी आपको होमवर्क करना है अब डी देखिए डी में क्या गिवन है नंबर ऑफ साइड्स एन नंबर ऑफ साइड्स कितनी गिवन है एन गिवन है तो देखिए एन की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी गिवन है एन गिवन है यर एन इक्वल्स टू एन सो सम ऑफ एंगल्स सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 अब एन की वैल्यू एन है तो यहाँ पे कुछ और नया पुटअप करना ही नहीं है तो इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 ओके स्टूडेंट्स तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 नाउ क्वेश्चन नंबर 5 तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मैंने आपको पहले से बता दिया कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन अ पॉलीगॉन हैविंग साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन ठीक है ये आपको क्वेश्चन जो है खुद करना है व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगॉन स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3-sided 4-sided 6-sided तो 3-sided का होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल 4-sided का होता है स्क्वायर एंड 6-sided का हो जाएगा रेगुलर हेक्सागॉन ओके तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है क्वेश्चन नंबर 5 इसमें सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और बाकी अनदर जो नेम गिवन है उसकी भी डेफिनेशन लिखनी है ठीक है तो अब ये जो है आज हम यहाँ तक ही करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन नंबर 6 से कल करेंगे हम लोग ठीक है बेटा तो मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए गुड बाय अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू